दोस्तों आपने वीडियो देखी पहली, उस वीडियो में आपने एक चीज़ सुनी होगी भाई, दो जो है चेलियाँ का जिक्र किया गया है, उनमें तो एक भाई अपने साथ इस वक्त मौजूद है। भाई के नाम? मेरा नाम तो है सागर है। अच्छा, पर मैंने सिट्टू का आ रहे हैं। अच्छा, तो यो है सिट्टू भाई। हाँ, मैं इसका जिक्र था जो वीडियो में सिट्टू का जिक्र, यो सिट्टू, मैंने सोचा घना बड़ा आदमी होगा, सही तो छोटा ही। भाई तेरा जिक्र आया है, तेरे ऊपर एलिगेशन लग गए हैं कि भाई तू धमकी दे, धमकी दे देने वाला, बाकी गाते तो कौन दिखता। हाँ। के कुछ बात है यार पूरी? देखो भाई साहब, वो मोखरा गाँव जाया करता, जाया करता तो उड़े भी उन्होंने भाईचारा बनाया, हम नहीं बनाया, चलो अच्छी बात से। फिर हम असौदा चले गए, असौदा चले गया तो असौदा भी जाने लग गया, जाने लग गया तो जो उसके उनका उधर माँ है, उसका चाचा तो रसन जे, उनकी मारी पुरानी उठा बैठ से 10 साल दे। तो हम दम पूछी वो अकनू ले जाना चाह नू है, नू है नू ले वे अक भाई, हम पूरा काम की जिम्मेवारी ले सका। हाँ, पर उस आदमी जिम्मेवारी नहीं ले सकती। अच्छा, उसने जो पहले 2.5 किले बेच चुका वो, और अब दोबारा फिर बेचने चक्कर में जो स्प्रे स्प्रे पी हुआ ये धरती बेचने चक्कर में है, तो इस खातर वो ये बात करने लायक रहा है। अगर मैंने मारने की धमकी दे, सुसाइड हो है, वो अप्लीकेशन दे रहा है, वो अप्लीकेशन ना घबराने खातर ये काम कर रहा है। वो तो नहीं हुआ, तन्ने धमकी दे है और जज जाके मैंने सपरा पिया है भाई साहब। वो तो नू है, धमकी देने का गात सा तो कौन है मेरा, पर बाकी वो जो कि मैं कह है तो कंधा भी होगा भाई, हम तो क्या कह सकें इस बात में भाई। आप साध्वी के साथ में कितने साल से जुड़े हुए? मैं साध्वी के साथ में 1 साल से जुड़ रहा हूँ भाई। 1 साल से? हाँ। तो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उनमें तन के लागा कितने सच्चाई कितने? देखो देखो भाई साहब, मन 1 साल हो गया जुड़े ने, ना तो मन कदे शमशाना में जानते हुए देखे हैं, ना मैंने कोई तांत्रिक विद्या देखी है। सुबह डेरा में जिस दिन रेस्ट हो उस दिन विश्राम, और ना बाकी रेस्ट तो 2 ही दिन मिला है, उस दिन पब्लिक आ जाए उनके साथ बातचीत करने में चले जाए, और दिन तो चढ़े ही गद्दी रहे है, तो टाइम कोड में मिल गया शमशान में जाना। सूरज की वीडियो देखी थी तने? हाँ, उसने भी तो आरोप लाए हैं। देखो भाई साहब, सूरज ने जो वीडियो देखी थी वो कैमरे है, उन कैमरा में हो जाएगा। अमित का घर आ गया था, अमित जब बोल लिया करता बोला मैं 720 रुपया चून लिया हूँ, मैंने रुपये दो, तो चून भी वो फ्री में लिया रहा था, तो इन देख लियो चून में रोड़ी कर सके तो वो फिर चोर तो आप ही हो सके। उनका कहना ये है कि शराब है, शराब वाला मैटर में भी देखो ही मैं बताऊंगा, जो शराब थी इसका मैन आदमी तो बताया गया है, शराब थी जो मोखरा दाम पर जो 2 बोतल चढ़िया कर दी, चढ़िया कर दी, तो हम एक कुमार आ गया था जो बार प्रसाद बेचे यार दे, वे मुरथल दाम में चढ़ा गया यार दे, तो एक दिन अमित गया 265 270 बोतल चढ़ रही थी और कुछ इंग्लिश की भी थी, उन्होंने लाइन नमा चढ़ाया चढ़ाऊँगा, तो उन बोतल ले कर चला गया, जी जी बोला मैं चढ़ाऊँगा चला गया, तो उसने वहाँ चढ़ाई 6 बोतल है, और वे ले आके उसने बेच दी अमित ने अपना घर का खर्चा चलाने खातर, जो जी मैं उन्होंने कहा है अब मैं जमीन बेच के इनका वो लाऊँ, वो जो मंदिर और वो शुरू में गया ना तो मारे रिलेशन बनया, ना तो मैं मंदिर की चाह पिया रूँ, ना मंदिर का खाना खा रूँ, मैं तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं कुछ खाँदा पींदा भी कौन है। पाछ मेरा पटिया हफ्ते 10 दिन पाछ अक उसने 5 बोतल चढ़ा, सारी बोतल बेच कर, और वो अपना नशा में यूज करा, फीम पाम खाओ के खाओ उसमें यूज करा इन रुपया ने, तो वो देख लो ही मारे के सारा अलावा, जो दारू नहीं बेच के वो काम करे तो वो मारे के सारा अलावा। अगर बात की जाओ तेरी शुरुआत साध्वी के पास कैसे हुई, के बीमारी थी, के तकलीफ थी तना कि वे उस तकलीफ का निवारण करवाने खातिर तेन उड़ाना पड़े? देखो भाई साहब, मेरी तो यह है आमूड़ मंदिर में रहा कर दे, मोखरा दाम पे ये आने लगे ना ये आ गए थे, तो मैं 5-10 दिन गया गया तो उड़ा भी फिर उल्ट सुलट कहनी थे, जो महीने का पास में रहने लग गया, रहने लग गया तो नू वे ध्यान हा रहा रहा मंदिर मंदिर में शुरू दे ध्यान हा पहला भी मतलब सारे जावा हाँ सारे जा मंदिर मंदिर में रागणी रूगणी प्रोग्राम प्रोग्राम माड़ा शौक सा है, ये वो जागरण जुगरण करा दे तो उसमें शौक सा था, तो इन्हें साथ वो रिलेशन बन गया। राम राम। राम राम जी। के नाम है? धर्मवीर नाम है जी, वैसे बलकारी का है। कौन सा गांव? मोखरा गांव है। मोखरा गांव। साध्वी जी मोखरा में रहा कर दी, के कारण है कि मोखरा छुटवा दिया? कोई कारण नहीं हुआ जी, ना इन्हें छोड़ा ना हमने छुटवा, बस बाबा का आदेश हुआ इन्होंने वहाँ से चिमटा उखाड़ लिया। नहीं फिर भी तो ठीक चल रहा था सिस्टम? ठीक चल रहा था जी, लोगों ने मेरा ही पटिया था साध्वी जी बैठे। हाँ जी, बहुत तगड़ा काम चल रहा था, उड़े कुछ आदमी से थे जो उन्होंने जो पिक्चर की ने बकवास कर दिया, ये तो जी सारे ही हुए हर, तो उन की वजह से इन थोड़ी सी परेशानी मान ली, ये नहीं रुक सकी वहाँ पर, वहाँ से इन्होंने चिमटा उठा कि न रहिए, बोले जी 2 दिन के बाद हम यहाँ आ सकते हैं अगर लेना चाहो तो, तो फिर भी गए हम, फिर उड़े जगह की कमी थी इसलिए वहाँ से भी इन्होंने
जाना पड़ा। जगह जगह दे दी थी उसका क्या विवाद था? जगह वो जगह भी दे दी थी उसी का तो विवाद है जी, जगह थी भीड़ की। अच्छा। और आदमियों की संख्या वहाँ बहुत ज्यादा आती थी तो भीड़ में ये जो परेशानी हो जाती है जो रोड पर घर बना रहे उनको, भाई गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं वहाँ और जो झाड़े वाले आते हैं वो भी खड़े होते हैं तो उनके डांगर डोर पहने पीने में उनको परेशानी थी। वो बोले जी हम भी तंग हाँ आड़त हैं तो ये सोच के भी ठीक है तंग से भीर, तो इन्होंने वहाँ से भी अपना डेरा वहाँ उठा दिया। यानी आपका कहना है मतलब ये आज भी मोखरा गाँव साधु जी से नाराज नहीं? बिल्कुल नाराज नहीं है जी, हम आ रहे हैं तो नाराजगी होते तो कैसे आते हैं। और भी बहुत आऊँ जी, इनके जन्मदिन पर देखो जितने भी आदमी आ रहे हैं। 7 तारीख का जागरण और भंडारा है और बाबा की दया से अगर वो सही चला पूर्व धाम में ही 7 तारीख का जागरण है। पहले तो होगा भंडारा शाम 5 बजे, 10 बजे रात जगनी शुरू हो जाएगी। बाबा की दया से सब कुछ ठीक चलता रहा तो मोखरा गांव में उस दिन दिखाऊंगी कितने लोग आते हैं और कितने लोग यहाँ जागरण में शामिल होते हैं। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज़ की हाथ जोड़ के कि सभी उस दिन पहुंचे और देखें कि मोखरा गांव मुझसे कितनी द्वेष भावना रखता है और पूर्व गांव भी मुझसे कितनी द्वेष भावना रखता है। ना तो पूर्व गांव मुझसे द्वेष भावना रखता और ना ही मोखरा गांव रखता और ना ही कोई और गांव रखता। और जाके पूर्व गांव में मीडिया से एक रिक्वेस्ट और करूंगी, जाके एक बार अमित के जो दादा हैं धर्म सिंह उन धर्मा उनसे और मिले, अमित के बारे में पूछे ताछे और गांव में भी पता करें कि वो लड़का कैसा है। कई बार वो स्प्रे पी चुका है, कई बार सांग बैठा चुका है, ऐसे तरीका से वो रिपोर्ट दिया करे। और देखो जी मैं तो एक औरत हूँ, बंद करवा देगा मान ले लड़का, मीडिया उछाड़ेगी बंद करवा देगा कोई बात ना, जमानत हो जाएगी ना होगी, जेल में भी रोटी मिलनी है, मैं तो रोटी खाए भी ना करा करूँ। ठीक है जी, और बाकी मैंने कुछ गलत किया नहीं है, अगर किया है तो उसके वो मीडिया को सबूत दे। आदेश।